आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल का खानपान, आजकल का बढ़ता स्ट्रेस और ओबेसिटी, ये सभी बिल्कुल नॉर्मल हो चुके, लेकिन यही न्यू नॉर्मल हमारे शरीर में बीमारियों का खतरा बढ़ाते जा रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर कंचन शर्मा, मैं एक आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि भारत वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज में दूसरे स्थान पर है। क्या आप जानते हैं कि भारत में 80 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज से ग्रसित है और यही संख्या 2030 में 98 मिलियन होने वाली है और आगे जाके 2045 में 135 मिलियन तक ये पहुंच जाएगी। तो है ना ये अलार्मिंग नंबर। डायबिटीज का मेन कारण है आपका बढ़ता ब्लड शुगर लेवल, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं कुछ खास बातों का ध्यान रखकर। इसी बारे में आज विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। हाई ब्लड शुगर लेवल को हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। हाइपर यानी ज्यादा, ग्लाइसीमिया यानी कि शुगर। तो जब शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाए, इसे ही डायबिटीज होना कहते हैं। शरीर में एक हार्मोन इंसुलिन, ये आपके खाने में आई हुई सारी ग्लूकोज को एनर्जी में बदल देता है, लेकिन अगर इंसुलिन ही शरीर में नहीं होगा या फिर ये पर्याप्त मात्रा में काम नहीं कर रहा होगा, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया होगा, तो डेफिनेटली आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और इसे ही कहते हैं शुगर लेवल्स का बढ़ जाना। अब यही बढ़ा हुआ शुगर और बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है, जैसे कि लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है आपका खान पान। आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल और आजकल का बढ़ता तनाव डायबिटीज की समस्या बड़ों ही नहीं बल्कि बच्चों में भी देखी जा रही है। इसके लिए ज़रूरी है आपका तनाव ना लेना। इसके लिए आप एक्सरसाइज, योग या प्राणायाम की मदद ले सकते हैं। साथ ही अच्छा खान पान, अच्छा डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज, इसके साथ ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ, जैसे कि नीम के पत्ते, जामुन, करेला, दालचीनी, मेथी और भी बहुत सारे। लेकिन एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि रोजाना हम इतनी सारी चीजें कैसे लें, तो इसका भी एक उपाय है। मैंने हाल ही में एक डाबर का जूस देखा है जिसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन चीजों का मिश्रण है, करेला, नीम और जामुन। ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। आप इसका सेवन रोजाना कर सकते हैं। नीम की पत्तियां हाई ब्लड शुगर लेवल से खुद को बचाने का एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक तरीका है। इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन एक खास बात कि ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेविनॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स हैं, तो ये आपके शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अब बात करेंगे करेले की। करेले में चैरेंटिन और मोमोडिसिन पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। और नंबर तीन पे बात करेंगे जामुन की। जामुन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। आयुर्वेद में इसको मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए बेस्ट बताया है। जामुन, नीम, करेला, इन तीनों की ही खूबियाँ आपको एक ही बॉटल में मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक और लाभदायक तरीका है। इसे लेना भी बहुत आसान है। एक कप पानी में आपको 1 से 2 चम्मच या फिर 10 से 20 ml के करीब जूस लेना है और ये आपको सुबह और शाम पीना है, लेकिन इसके पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आप इसको रोजाना ले सकते हैं। तो इस जामुन, नीम, करेले जूस के साथ साथ आप फॉलो करें मेरी बताई बातें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज ज़रूर करें। रोज़ 1 घंटा आप एक्सरसाइज को दें तो आप हमेशा अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर शामिल करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी का इस्तेमाल आप अपना ख्याल रखने के लिए ज़रूर करेंगे। साथ ही आप जब भी डाबर का जामुन, नीम, करेला जूस पिए, इसके फायदे के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अपना ढेर सारा ध्यान रखें। नमस्कार।